शतम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम्। अच्छा मम्मी पूजा होगी ना, मैं नीचे जा रही हूँ, सना ना मेरे वेट करिए, नीचे आ रखे हम ना डांडिया खरीदने जाएंगे। अच्छा जा, लेकिन जल्दी आ जाना। अरे क्या मम्मी, अच्छा ठीक है जाओ, हर बार आप इसका सपोर्ट लेती हो, कहीं नहीं जाएगी ये। अबे ओ तू क्यों बोल रहा है, छोटा ना छोटा बन के रहे, ज्यादा मेरे बाप बनने की कोशिश मत कर, समझ गया? ओए मैं तेरे से छोटा नहीं हूँ, मम्मी इसको समझा दो, मैं इसका बड़ा भाई हूँ और मेरे को लेके जाए कहीं पे भी जाएगी तुम। छोटा है तू? छोटा है, बड़ा हूँ मैं। कैसे कैसे? देख हाइट में तो मैं तेरे से छोटा हूँ, लेकिन मम्मी दिमाग में तो मैं इससे बड़ा हूँ ना। अच्छा तेरे में दिमाग है? और क्या, देखो मम्मी मेरा दिमाग यहाँ है, लेकिन इसका दिमाग कहाँ है पता आपको? यहाँ। बकवास करेगा? मम्मी देखो ना, आपके सामने मार रही है मुझे और आप कुछ भी नहीं कह रहे से। मम्मी ये ना चिढ़ता है, तेरे दोस्त डांडिया खरीदने जाते तो मैं क्या करूँ, पर मेरी दोस्त तो जाती है ना, मैं तो जाऊंगी। और मम्मी हम दोनों ने ना डांडिया नाइट का प्लान कर रखा है कि हम दोनों मिलकर डांडिया खेलेंगे रात को छत पे। तुम्हें लड़ना है ना तो वहां जाके लड़ो। मम्मी इसको लड़ना है, मुझे नहीं लड़ना, उसको बोला घर पे रहे। मैं क्यों घर पे रहूं? और तू कौन होता है मेरे को बताने वाला? मम्मी सना नीचे वेट करिए, मैं जा रही हूँ। अच्छा चल जा तू, जा। मम्मी जा रही हूँ। हाँ, गंदा क्या है मम्मी, हर बार आप उसका सपोर्ट लेती हो। हाँ, मार भी रही है मुझे। अरे घर पे रखे भी क्या करती, तेरे से लड़ाई करती और क्या करती। क्या नहीं? कहाँ पर रह गई है तेजू यार, हमेशा का इसका, ऑलवेज लेट करती है। आज भी लेट हो रहा है, डांडिया लेने भी जाना है, पता नहीं कब तक आएगी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वो ना मम्मी ने वो पूजा में लगा दिया था, तो पूजा कर रहे थे हम लोग, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को डांडिया लेने जाना, तो मम्मी कहा हाँ आप तो जा सकती है क्योंकि हमारे घर की पूजा हो गई है। हो गया, ऑलवेज के बहाने। चल 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 जल्दी चल, एक्साइटमेंट हो रही है यार। वैसे तू कौन सी डांडिया लेगी? मैंने तो सोचा कि मैं डिजाइन वाली लूंगी। अरे यार डिजाइन वाली ना बहुत महंगी आती है, हम ना सस्ते वाली ले लेंगे, सिंपल वाली, फिर उसको ना डिजाइन कर देंगे, स्पार्कल टेप भी तो लगानी होती है। हाँ सही कह रही है, पैसे भी बच जाएंगे। हाँ वही तो, दिमाग लगाया कर, दिल मत लगाया कर। ठीक है ना, चल चलते हैं। चल चल। भैया डांडिया है? अरे मैडम हमारे पास ना सारी तरह की डांडिया मिलेंगी। हाँ भैया तो डिजाइनर दिखा दो। आपको डिजाइन वाली चाहिए ना, मैं अभी दिखाता हूँ आपको डिजाइन वाली। अभी तो पागल है, अभी तो देखो समझाया था, डिजाइनर वाली महंगी आती, सिंपल वाली लेंगे। नहीं यार डिजाइनर वाली अच्छी लगेगी, डिजाइनर लेते हैं ना। चुप रहे भैया, डिजाइनर वाली डांडिया कितने की है? मैडम 500 रुपए की, आपको दो पड़ेंगी। 500 की है तो क्या हुआ, डांडिया अच्छी तो लगेगी ना खेलते वक्त। अरे सर डिजाइन तो अपने आप हो जाएगी, सिंपल वाली ले लो, उसके ऊपर स्पार्कल टेप लगा दियो ना। स्पार्कल टेप ना सस्ता माल लगता है, फिर वो बाद में, मेरे को नहीं चाहिए। भैया आप डिजाइनर वाली दे। अरे मैडम जी मैं तो कह रहा हूं डिजाइन वाली लो, आप देखो ना आपके ऊपर डिजाइन वाली अच्छी लगेगी, डिजाइन वाली से खेलना आप। भाई आप डिजाइनर वाली दे। देख कौन सी परमानेंट डांडिया रख रही है। तो क्या हुआ, एक दिन के लिए अच्छा तो लगना चाहिए ना, लड़के भी तो देखेंगे। भैया आप निकालो, स्पार्कल टिप है भैया। वो तो बुक डिपो में मिलेगी ना। अरे ओ भैया आप मुझे मत बताओ, वो वाली सिंपल वाली कितने की है? मैडम सिंपल वाली ढूंढनी पड़ेगी और है 100 रुपए की। देख 100 रुपए की, हमें सिंपल वाली लेनी है, आप मत बताओ कि हम डिजाइनर लें या सिंपल वाली लें। अबे तो पागल हो गई है क्या? नहीं भैया हम डिजाइनर लेंगे, आप डिजाइनर निकालो। अरे सिंपल लेंगे। ये बताओ तुम्हें डांडिया चाहिए नहीं चाहिए, मेरा टाइम खोटी मत करो। डिजाइनर लेंगे। सिंपल लेंगे। डिजाइनर। सिंपल। डिजाइनर यार। डिजाइन वाली? अरे मैं तो बोल रहा था सिंपल ले ले। नहीं डिजाइनर लेंगे। तो एक काम कर ले, स्टोन पेपर सीजर कर ले। हाँ ठीक है कर, फिकर चल। स्टोन पेपर सीजर, जीत गई देखा। चलो भैया सिंपल वाली दे दो। मैडम मैं तो आपसे कह रहा था डिजाइन वाली लो आप। अरे भैया चुप रहो, बोला ना सिंपल वाली तो सिंपल वाली दो आप। ये लो अपने दो पेयर। ये तो री कितना पागल बना रही थी कि ढूंढनी पड़ेगी, पागल बनाने को मैं ही मिली ना, देख ले कैसे पागल बनाते हैं। चुप लो, चल चल आ जा। आगे लंबो सी नुकसान करा के चलेगी मेरा, वो ठीक थी कम से कम डिजाइन वाली तो ले रही थी, पैसे कमा लेता, 1000 रुपए आ जाते, अब देखो हो गया ना 200 रुपए में काम। यार सुन, अब डांडिया ले लिया ना, मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं। हाँ यार भूख तो मेरे को भी बहुत जोर से लग रही है, एक काम करते हैं बगल में हॉट डॉग वाला है, उसके ना हॉट डॉग बहुत ज्यादा फेमस है, वहाँ पे चलते बहुत टेस्टी बनाता है। हाँ चल चलते हैं, उसके हॉट डॉग तो मेरे को भी बहुत पसंद है। चलते चल चल।
भैया हॉट डॉग देना, दो ही देना। पता है बहुत टेस्टी होते हैं। बहुत टेस्टी हैं। मैंने कहा था ना मस्त मिलते हैं यहाँ पे। यार दीदी दीदी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खाने के लिए अभी देती हूँ। अभी वही नहीं, पागल हो गई है क्या? ऐसे इन लोगों को पैसे देते हैं, खाना देते हैं, हम लोग ना इनकी आदत खुद ही खराब करते हैं। यार इनके पास हाथ पैर है, ये खुद भी तो कमा के खा सकती है ना। और पैसों की बात रही तो पैसे लेकर ये लोग क्या करते हैं मैं अच्छे से जानती हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसको कुछ देने की। यार तू सना पागल है क्या? वो क्यों ऐसे झूठ बोलेगी? और एक बात बताओ, अगली को भूख लग रही है और हम भी तो खा ही रहे हैं ना, तो हम उसको भी तो खिला सकते हैं। एक हॉट डॉग में हमारे तो कुछ नहीं जाएगा ना। और हाँ, जैसे कि प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है ना, वैसे भूखे को खाना खिलाना भी पुण्य का ही काम होता है। तू सही कह रही है यार, इसको खिला देते हैं। भैया एक और हॉट डॉग देना, ये लो खा लो। चल यार अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, मम्मी गुस्सा करेगी। हाँ सही कह रही, चल बहुत देर से घर से बाहर है, आ जा। ओए चल ना, डांडे तो ले, इसको डेकोरेट कर लेते, ले स्पार्कल टेप ले, तेरी ब्लू मेरी पिंक। अबे ओ मैं नहीं कर रही डेकोरेट, फालतू में ही ये बिना डेकोरेटेड वाली डांडिया उठा के लेके आ गई। अच्छा खासा डेकोरेटेड डांडिया लेकर आ रहे थे, 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ही तो लग रहे थे, पता नहीं। अबे ओ 10-20 रुपए नहीं, पूरे 400 रुपए फालतू थे, 400 रुपए फालतू बनने आ रही है। तो क्या हो गया, हमें ये काम तो नहीं करना पड़ता ना फालतू का। अच्छा बहुत पैसा ना तेरे पास, अंबानी की औलाद है तू, बकवास कर रही। चल ले तेरी ब्लू टेप है। मैं ब्लू क्यों लूंगी, नहीं मेरे को पिंक चाहिए। नहीं पिंक मैं लूंगी। नहीं यार मैं लूंगी, पिंक दे देना। पिंक मैं लूंगी, पिंक कलर की मेरी ड्रेस है। तो मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं पता, मैं लूंगी। अच्छा ठीक है ना, फिर स्टोन पेपर से कर ले। नहीं तो उसमें वैसे मेरे को हरा देती है, फिर तेरे को ही देनी पड़ेगी, ऐसे दे दे। नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं लूंगी। नहीं और मैं दूंगी नहीं। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों, और क्या हुआ? मम्मी देखो ना, ये मेरे को डांडिया नहीं दे रही मेरी, कह रही है इसको पिंक टेप चाहिए, पर पिंक टेप तो मेरे को चाहिए क्योंकि मेरी ड्रेस पिंक कलर की है, ब्लू से कर लेगी। नहीं आंटी आप खुद सोचो ना, मैंने इसे कहा था कि हम डेकोरेटेड डांडिया ले लेते हैं, पर इसने नहीं लिया, कह रही थी पैसे बचाने हैं, कंजूस कहीं की। और अब देखो ये अपनी पसंद से डांडिया भी ले और अपनी पसंद से टेप भी ले रही है, गलत नहीं है? मम्मी देखो ना, डेकोरेटेड डांडिया ना 500 रुपए की थी और ये 100 रुपए में आई है, 400 रुपए का मुनाफा हुआ है हमें। फालतू की बकवास करिए, बहुत पैसा है ना इसके पास। हाँ तो क्या हो गया, तूने अपनी पसंद से डांडिया ले लिया तो मेरे को मेरी पसंद की टेप दे देना। अबे वो तेरी ड्रेस कौन से कलर की है? ब्लैक, वही वाली ना जो तूने पिछले साल पहनी थी, उसमें ब्लू वर्क है। हाँ ब्लू वर्क है, पिछले साल पहनी थी, ये बोलना जरूरी है? अरे रिपीट करेगी तो कपड़े यही बोलूंगी ना, मैंने तो नए कपड़े लिए। चुप हो जाओ। अरे तुम दोनों लड़ो मत, ऐसा करो एक ब्लू तेजस्वी तू रख और एक वो रखेगी, और एक पिंक तू रख तेजस्वी और एक वो रखेगी, ठीक है? ऐसे शेयर करके ले लो आपस में। और बच्चों नवरात्रि तो प्यार का त्यौहार होता है, इसको तो मिलके मनाना चाहिए, और तुम चले जैसी बात पर लड़ाइयाँ कर रहे हो, ये अच्छी बात है? इसे करो, इसको डेकोरेट कर लो तुम दोनों। हाँ आंटी आपने बिल्कुल सही बोला, हम यही करेंगे, एक ब्लू वाली तू ले लियो और एक मैं ले लूंगी, एक पिंक तू ले लियो एक मैं ले लूंगी। हाँ डन, ये सही है। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, आप अपना डेकोरेट कर लो, ठीक है? अरे मम्मी रुको ना, आप डेकोरेट करवा दो ना, मेरे को आता नहीं है, देखो टेप तक नीचे पक रही है इस पे, तो अभी अभी मैं करवाऊँ। चल ठीक है। थैंक यू आंटी। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? मुझे बहुत सारा काम है, ओके? और लड़ाई नहीं करना और प्यार से खेलना। ओके मम्मा हम नहीं लड़ेंगे। अरे आज तो इसकी फ्रेंड भी आ रही है सना, बड़ा बेइज्जती करती थी ना ये मेरी, आज इसके सामने ना इसी की बेइज्जती। देख मेरी कितनी अच्छी लग रही है, तेरी तो बेकार लग रही है।
अरे जा, ऐसा लग रहा है किसी ने खिचड़ी पका दी हो। देख मेरी कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। ढंग से करी भी नहीं। अरे बहन एक काम करना, तेरी आज फ्रेंड आई है सना, यार मुझे तो इंट्रोड्यूस करवा दे। अबे वो कितनी बार बोला है जब मेरे दोस्त आए हो तू मत आया कर, फालतू में आ जाते, चल निकल यहाँ से। अरे क्या दोस्त, वो तेरी दोस्त है तो मेरी भी दोस्त हुई ना, तेरी दोस्त मेरी दोस्त, मेरी दोस्त उसकी दोस्त, मतलब हम दोनों दोस्त। अबे ओ तुझसे ना 5 साल बड़ी है, इसको दीदी बोल तू, समझा? वो हाइट में तो इतनी सी है, 5 साल कहाँ से बड़ी है। तू ना फालतू में चेप मत हो मेरी दोस्त के, निकल यहाँ से, चल निकल, हम दोनों के बीच में मत आ, चल। अरे चेप वेप नहीं हो रहा सना, यार तू बोल ना यार, मुझे ले जाए अपने साथ डांडिया खेलने। अरे इसमें मैं क्या बोलूं, तुम दोनों भाई बहनों का मैटर है, खुद सॉल्व करो। अरे यार तू बोलेगी तो थोड़ा कुछ हो पाएगा ना, हमारा और मेरा मतलब ये डांडिया का। तू जा रहा है या नहीं जा रहा? तू वो तू पागल है क्या, अभी मेरे लग जाती तो। अच्छा अभी लगी नहीं ना, अब लगेगी बेटा, अब देख तू। मम्मी देखो ना, इसने मेरे को डांडिया फेंक के मार दी। चल निकल, तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तेरे को खिलवाता हूँ डांडिया। ओए चल तू भी अपने घर जा, रेडी हो करा, छत पर मिलियो, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ठीक है ठीक है, चल चल चल। मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह बड़ी सुंदर लग रही मेरी गुड़िया तो। मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ? सुअर। देख रहे हो मम्मी, खुद बता रही है मैं सुअर लग रही हूँ। अबे ओ मैं तेरे बारे में बोल रही हूँ कि तू सुअर लग रहा है, और वैसे भी तू तैयार ही क्या हुआ है, वैसा था वैसा ही लग रहा है आया बड़ा। हाँ तो रेडी क्यों हो क्या हूँ, मेरे को डांडिया में लेके जानी रही मम्मी है, तो मैं क्यों हूँ रेडी? मम्मी मेरे दोस्तों के बीच में बहुत बोलता है, देखता नहीं है कि दो लड़कियां एक लड़का बीच में क्या करेगा, हमेशा टंग जाएगा, कुत्ते की तरह ना दुमिलाता हुआ आता है मेरे दोस्त देखते ही। देखो 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 क्या कर रहे, देखो हरामी पंती देख रहे हो इसकी, आप समझे? आप समझे? आप नहीं समझे? कहाँ कुछ कर रहा है, बैठा तो है आराम से। अच्छा तुझे जाना है ना, चल तू जा। हाँ जा 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 जा, और सबके साथ डांडिया खेल, और सब खेलेंगे एक चुड़ैल के साथ डांडिया, क्योंकि तू चुड़ैल लग रही है ना आज। मम्मी इसको बोल दो फालतू की बकवास मत करे और यहाँ से जाए। मानेगा नहीं, चल जा। हाँ मम्मी मेरे को ही मारोगे ना, उससे बहुत प्यार करते हो चुड़ैल सी। हाँ हाँ जा तू तो, अडॉप्टेड है वैसे भी। मम्मी मैं गंदी लग रही हूँ। नहीं बेटा नहीं, तू चुड़ैल नहीं, तुम तो हीरोइन है, वही बेटी है मेरी प्यारी सी। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, ठीक है। अच्छा सुन जा रही है क्या, एक काम कर दे। क्या? ये पूजा का टाइम हो रहा है, प्रसाद ला के दे जा। अरे मम्मी मैं लेट हो रही हूँ, मैं तैयार व्यार होकर कहाँ जाऊँगी, उस गधे को बोल दो ना पूरा दिन पड़ा रहता है, उसको बोलो वो ले आएगा। अच्छा चल ठीक है तू जा, मैं उसको बोल देती हूँ। हाँ ठीक जा रही हूँ। अच्छा रुक, अब क्या हो गया मम्मी, अब मैं कोई काम नहीं करने वाली आपका। अरे मेरी गुड़िया को नजर ना लगे, काला टीका तो लगा दो। ध्यान से जाना, ओके बेटा। ओके मम्मी बाय। इस लड़की ने तो कुछ काम करना नहीं मेरा, मिल्लू को बोलती हूँ। मिल्लू। हाँ मम्मी। बेटा एक काम कर दे। हाँ एक क्या दो बोलो, दो करूँगा। करेगा? हाँ नीचे है ना प्रसाद ला दे मुझे इस टाइम। अरे मुझे पूजा करनी है। मम्मी आप चले जाओ, मैं नहीं जा रहा, बहुत उसका साथ दे रहे थे ना, तो जाओ ना आप खुद जाओ, मैं नहीं कर रहा आपका काम, जाओ। तब इस काम के लिए भी मैं जाऊँ? सुनेगा ही नहीं लड़का, मुझे ही जाना पड़ेगा। आजकल के बच्चे ना बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं, अपने लाइफ में इतने बिजी रहते हैं ना, अपने माँ बाप की तो एक बात ही नहीं सुनते, सारा काम हमें खुद ही करना पड़ता है। चल कोई नहीं, प्रसाद लेके आती हूँ। आज भी लेट हो गई है, पागल लड़की कभी टाइम से नहीं आ सकती। ओ हेलो रे, अरे चल डांस करेंगे। एक मिनट, डांस बाद में करेंगे, पहले तो ये बता कि तूने बोला था तू पिंक कलर की ड्रेस पहनेगी, फिर ये लाल कलर की साड़ी कहाँ से पहन के आ गई तू? अबे ये ना मेरी मम्मी की साड़ी थी, और उस ड्रेस से ज्यादा ये साड़ी मेरे पे ज्यादा अच्छी लग रही, तो मैं ये पहन कर आ गई। धोखेबाज कहीं की। अच्छा ठीक है ना, मूड ऑफ मत कर, चलना डांस करते, मूवमेंट क्यों खराब कर रही है। ठीक है चल। चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी।
जाए रजिया कर बे की रात में चुड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में थक गए पर यार दो जनों में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। हमें और फ्रेंड्स को भी बुलाना चाहिए था। पागल किसको बुलाती? उस प्रीति को, डायन कहीं की, उसको बुलाते ना तो जो मजा आ रहा है वो भी नहीं आता। हाँ और कोई अच्छी दोस्त ही नहीं हमारी, हम दोनों ही हैं। तेजू क्या हुआ यार? वहाँ पे कौन है? ओह यार एक तो अंधेरे में बैठे हुआ है, कौन है ये? चल कर देखी क्या? अबे पागल कहीं कोई भूत भूत हुआ था? अरे नहीं ना, भूत नहीं होगा, वो इंसान ही बैठा है, देख ध्यान से। नहीं यार भूत भी तो इंसान के बेस में बैठा होता है ना। अरे तू पागल है क्या? चल अच्छा मैं नहीं जाऊंगी। नहीं अरे ये तो वही बच्ची है ना जिसका हमने हॉट डॉग खिलाया था। हाँ मैं वही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम नवरात्रि नहीं बना रही? नहीं मेरे साथ तो कोई नवरात्रि मनाता ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों? नवरात्रि तो प्यार से मनाने वाला त्योहार है और इस त्योहार पर तो हर कोई एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नाश्ता गाता है और सेलिब्रेट करता है, तो तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अपने किसी दोस्त के साथ नवरात्रि मनाओ। क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, ना ही कोई दोस्त है। अरे तो तुम उदास क्यों हो रही हो? सही हुआ ना कि तुम हमें मिल गई। हम दोनों भी वैसे सोच रहे थे कि हम दोनों ना बहुत बोर हो रहे हैं दो जनों में नवरात्रि बना के। अब तुम भी मिल गई तो दो से भले तीन, और हम तीनों मिलके नवरात्रि बनाएंगे, गरबा करेंगे। आज चलो हमारे साथ। चलो का? हेलो। हाँ भाई क्या मम्मी? अरे कहाँ जा रही है? मम्मी भाई क्या हो गया मम्मी को? बहन पता नहीं, मम्मी नीचे मार्केट गई थी प्रसाद लेने और खबर आई कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। मेरी गलती है, मम्मी ने मेरे को बोला था कि मेरे को प्रसाद ला के दे दे। भाई तो क्यों नहीं गया प्रसाद लाने? यार मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। हमारी खीर की सजा हमारी माँ को मिल गई। अगर हम चले जाते तो मम्मी के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं। सॉरी मम्मी, नवरात्रि तो माँ की होती है ना, नवरात्रों में हमारी माँ के साथ ऐसा हो गया। क्यों माता रानी क्यों करा ऐसा? हम तो खुश थे ना, हम तो खुशी से नवरात्रि भी बना रहे थे। हमारी मम्मी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी मम्मी तो आपके नौ के नौ व्रत रखती है, आपको इतना मानती है, और आपने मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्यों? मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ? मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। तुम ठीक कर सकती हो? कैसे? Thank you.
मम्मी आप ठीक कैसे हुए? हाँ तो मुझे हुआ ही क्या था? तुमने मेरी मम्मी को ठीक कैसे करा? तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना? मतलब? अपनी आंखें बंद करो। आंखें खोलो वत्स। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं। रानी, आपने नवरात्रों में हमें साक्षात दर्शन दे दिए। हमारा तो जीवन ही सफल हो गया आपके दर्शन पाके। तुमने सही कहा, नवरात्रि माँ की होती है, और तुमने अपनी माँ की बात नहीं मानी, तुमने उनका कहा नहीं माना। हम तो बच्चे हैं ना, हम अपनी दुनिया में इतने मगन हो गए कि हम अपने माँ बाप की कदर करना ही भूल गए। हमें हमारी माँ की बात सुननी चाहिए थी, और जो वो बोलती हमें करना चाहिए था। हमें माफ कर दो माँ। माफी मुझसे नहीं, अपनी माँ से मांगो, क्योंकि धरती पर भगवान का रूप तो माँ बाप ही होते हैं ना। और हमेशा मेरी ये बात याद रखना कि कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करना। वो तो तुम्हारी माँ नवरात्रि की 9 दिन के व्रत रखती थी, और मेरी एक सच्ची और अच्छी भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आगे से हमसे ये गलती नहीं होगी। सॉरी मम्मी, हमें माफ कर दो, हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। चलो वत्स, अब मैं चलती हूँ। जय माता दी। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मम्मी, हमें माफ कर दो।